दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हैं पलवल जिले के लाइव अपडेट के साथ। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें, जिनमें कि पलवल, हथीन और होडल, इन 3 विधानसभा सीटों में जो अब तक के अनुमान है, यानी कि 12:30 बजने जा रहे हैं और इस समय तक का जो रुझान आ रहे हैं उसके लिहाज से होडल के अंदर कांटे की फाइट बनी हुई है। होडल के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान लगभग 2200 वोट से आगे चल रहे हैं। और अगर दूसरी बात कहें तो फिर हरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो लगभग 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। होडल की 6ठे राउंड की जो मतगणना हुई उसके लिहाज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को 28,769 और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हरेंद्र रामरतन को 26,514 वोट मिले। अगर देखें इसको कैलकुलेशन करके तो लगभग 2200 प्लस, यानी कि 2254 वोट से लगभग चौधरी उदयभान आगे चल रहे हैं। अगर बात आपसे पलवल की करें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला पूरी तरह एकतरफा हो गया है। पलवल विधानसभा क्षेत्र जहां के लिए ये कहने वाले की बातें थी, जब गौरव गौतम को टिकट मिला था तो लोगों ने कहा था कि करण सिंह दलाल की एकतरफा जीत होगी, लेकिन मामला जब मतगणना हो रही है तो उसके ठीक विपरीत हो गया है। पलवल की बात करें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गौरव गौतम ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गौरव गौतम लगभग जो 11 राउंड की गिनती हुई उसके अंदर 30,000 से ज़्यादा की लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। इसी प्रकार हथीन विधानसभा की बात करें तो हथीन विधानसभा का जो हमने आपको बताया था कि हथीन में मोहम्मद इसराइल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये पूरी तरह बढ़त पर रहेंगे, तो वहाँ के अनुमान वही चल रहे हैं। हथीन विधानसभा की अगर आपसे बात करें तो हथीन के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद इसराइल 46,842 वोट 13वें राउंड की मतगणना पर, कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद इसराइल 46,842 वोट के साथ में पहले नंबर पर बने हुए हैं 13वें राउंड की मतगणना के बाद। भारतीय जनता पार्टी के मनोज रावत 35,479 वोट के साथ यहां पर दूसरे नंबर पर है, यानी कि लगभग 11,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे हैं मनोज रावत। और तीसरे स्थान पर हैं INLD BSP कैंडिडेट तैयब हुसैन भीमसिका। यहाँ अगर कहें तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र तेवतिया, वो चौथे स्थान पर है लगभग 10,000 वोट के साथ। अगर मतगणना का यही ट्रेंड चलता रहा तो आप माने हथीन के अंदर जो हथीन के कैंडिडेट हैं कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद इसराइल, ये जीत की तरफ अग्रसर है, चुनाव जीत रहे हैं। होडल के अंदर चौधरी उदयभान कड़े कांटे की भिड़ंत में लगभग 2200-2400 वोट की बढ़त बनाए हुए हैं और पलवल के अंदर करण सिंह दलाल बड़े मतों के अंदर से पिछड़ गए हैं। ये मतगणना के वो रुझान हैं जब लगभग आधे से ज़्यादा और कहीं आधी मतगणना हो चुकी है। पलवल जिले की सभी सीटों पर क्या परिणाम रह सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।